विधानसभा संचालक महोदय, ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सभी कवियों का ध्यान रखते हुए मैं अपनी प्रभु श्री राम की उदारता पर एक रचना है प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है भाई। राम करुणा निधान, राम स्वयं भगवान, राम सच्चे आदर्शों की जीवित कहानी है। और प्राण चाहे चले जाए, बचने न टूटे कोई, रघुकुल रीत सदा पावन पुरानी है। रवि के मुख सुनो उनकी कहानी, जिनकी कथा वेद पुराण ने बखानी है। और राम रावण युद्ध केवल एक युद्ध नहीं, बुराई पर अच्छाई की जीत की निशानी है। बुराई पर अच्छाई की जीत की निशानी है। तीनों लोक राज्य जिनका ऐसे उदार राम, केवट के खाट पर याचक बन आते हैं। और जग को जो तारते कहते जग तारण राम, सो गंगा जी से तरने को विनती सुनाते हैं। कि गंगा जी से तरने को विनती सुनाते हैं कि राजा हो, प्रभु श्री राम ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कि राजा हो या रंक हो, साधु अथवा संत हो, सबको है राम प्रिय, राम के कहते हैं। और सीता जी की देकर अंगूठी स्वाभिमानी राम, केवट की नाव की तराई को चुकाते हैं। कि केवट की नाव की तराई को चुकाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा सुनिए, कि राम नाम की है महिमा अपरंपार। सुनो, जिनका नाम लिखने से पत्थर तैर जाते हैं। और पति धर्म, भाई धर्म, पितृ धर्म, मित्र धर्म, सीता त्याग करके राज धर्म को निभाते हैं। कि सीता त्याग करके राज धर्म को निभाते हैं। एक प्रसंग आता है, जब लखनलाल मूर्छित हो गए और हनुमान जी लंका जाकर सुसैन वैद्य के लिए लेकर के आए। सुसैन वैद्य ने कहा कि ये तो हमारे शत्रु हैं, हमारे महाराज के, हम इनकी दवा नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु श्री राम का स्वाभिमान जागा, रघुकुल का स्वाभिमान जागा। उन्होंने कहा कि मेरा भाई सूर्योदय के बाद मरता था, अभी मर जाए लेकिन मैं भी दवा नहीं कराऊंगा। लेकिन समझाया उसके बाद कि रघुकुल रीत स्वाभिमान को निभाने हेतु सगे भाई के भी प्राण दांव पर लगाते हैं। और वर्तमान परिस्थितियों को बयां करती है पंक्तियां, जो राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। कि छुआ छूत मानते कदापि नहीं राम, देखो आश्रम में सबुरी के झूठे बेर खाते हैं। कि आश्रम में सबुरी के झूठे बेर खाते हैं। जय श्री राम।